चमत्कार हो सकता है जेठानी जी? क्या मेरी कुमड़ वापस आ सकती है? क्या ईश्वर के चमत्कार से मारी कुमड़ वापस आ सकती है? राघवन जी, जो रोग दूर नहीं होते अक्सर दवा खाने से, दूर हो जावे हैं केवल मुस्कुराने से। मारे तो सभी दुश्मन नहीं, आपके सब दुश्मन कैसे हो सकते हैं? आपने तो अब तक सबका भला ही किया है। अरे यू बात तू मान, रेस में हारा हुआ घोड़ा, युद्ध से भागा हुआ सिपाही, ऐसा मुनीम जी सोचते, इसीलिए वो मणे पीठ दिखाकर भाग गए। मतलब उसने गद्दारी की आपके साथ, गेम बजा दो उसका। नहीं बाबू नहीं, अरे किस किस का गेम बजाएगा तू है? किस किस का? सब तो मणे छोड़कर चले ही गए ना, सबसे पहले मारे बाबूजी, और उस मद्रासन की वजह से मारे भाई साहब मारे से दूर हो गए, मारा भतीजा मारे से नफरत करने लग गई, और अब मारी इकलौती बेटी वो भी मारे से दूर हो गई। मैं इन सबसे बहुत बहुत प्रेम करता था, बहुत प्रेम करता था बाबू, पर हाँ, पर स्वभाव जो है ना इन सबसे, वो नारियल की तरह ही था, ऊपर से सख्त और अंदर से नर्म। माना कि मैं इनसे झगड़ता था मैं इनसे, पर इन सब ने, भाई साहब ने, भतीजे ने, हमारी बेटी ने मारे को सिर्फ ऊपर से देखा, किसी ने मारी आत्मा में घुस के देखने की कोशिश नहीं की कि मैं इनसे कितना प्यार करता, किसी ने कोशिश नहीं। मैं इनसे अब भी बहुत प्यार करता और अब भी बहुत करता और करता रहूंगा। आप चिंता ना करें साहब, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। और उस मुनीम ने भी मारे को बचपन से देखा, बचपन से उंगली पकड़ के चलना सिखाया मने, पर देख ले आज मने पीठ दिखा के भाग गया। अरे मैं मुनीम से भी बहुत प्यार करता हूं, पर यूं लग रहा है जैसे मारी किसी को जरूरत ही ना। आप मुनीम जैसे धोखेबाज को भूल जाइए। हाँ सबको भूल जाऊं, एक दिन खुद को भी भूल जाऊंगा। बाबू थोड़ी और पिला दे ताकि मैं अपने आप को भुला सकूं। पिला दे थोड़ी और पिला दे बाबू। ताकि मैं सब पीजे सर सबको भूल जाऊं, सबको। सरोजनी खाना लगा दे, मैंने नहा लिया है। सरोजनी सरोजनी तो है नहीं,
फोन पे बात कर लेता हूं। नाना, अगर फोन लगा लिया तो वो पढ़ाई में से डिस्टर्ब हो जाएगी, उसका ध्यान हट जाएगा। लेकिन मैं करूंगी तो करूं के प्यारी सरोजा, देख रही है ना कि थारे जाने के बाद मारा के हाल हो। अब तो बस जल्दी से वापस आ, मैं थारे बगैर रह नहीं सकता ना। अभी तक आपने मेरी हर मुराद, हर प्रार्थना स्वीकार की है। मुझे दुनिया की हर खुशी मिली है। जीवन में उतार चढ़ाव भी आए। अपनी छोटी सी जिंदगी में मैंने कई सारी परेशानियां देख ली हैं। लेकिन आपने मेरी नैया कभी डूबने नहीं दी। मुझसे जाने अनजाने जितनी भी गलतियां हुई, इन सबको आपने माफ करके मुझे आगे बढ़ने का चांस दिया। इसके लिए मैं आपसे जितनी भी शुक्रिया अदा करूं कम है। भगवान जी ऐसी ही कृपा आगे भी बनाए रखिएगा, क्योंकि मैं अपने आप को एक अच्छी बेटी, आदर्श बहू और पतिव्रता पत्नी के रूप में साबित करना चाहती हूँ। अंतर्यामी है, आप जानते हैं कि आज मेरा IAS का इंटरव्यू है। मेरी इस परीक्षा से दोनों परिवारों को आशा लगी हुई है। मेरे हाथ में तो सिर्फ मेहनत है, किस्मत तो आपके पास है। मेरी लाज रख लीजिए भगवान, मेरी लाज रख लीजिए।
विजय साहब। अरे कहाँ मर गए थे यार, इतनी देर कैसे लगा दी आने में? साहब वो बड़ी पार्टी आई थी, उसी का मैटर सुलटा रहा था। किसी बड़े आदमी का गेम बजाना है। अरे सर बड़ी बड़ी बातें करना जानते हो तुम, काम करनी हो किसी तुम? ये आप क्या कह रहे हैं साहब? अरे वैसे ही जैसे तुम सुन रहे हो। आप नाराज लगते हैं, मुझसे कोई गलती हुई? हारी सबसे बड़ी गलती यू है कि तने कुछ याद ही नहीं रहता। मैं क्या बोला साहब, आप जरा याद दिलाएंगे? मारे प्लेन का क्या हुआ? कौन सा प्लेन? तुम्हें अपने साथ रख के ना मैंने बहुत बड़ी भूल की। अरे तुम्हें जब कुछ याद ही नहीं रहता तो अमल के खाक करोगे हैं? तुम ना सिर्फ छेक चिल्लियों जैसी बड़ी बड़ी बातें कर सकते, और कुछ नहीं। लगता है अब मणे कुछ करना पड़ेगा। साहब कहीं आप उस मद्रासन सरोजनी की बात तो नहीं कर रहे? नहीं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मारोगे मणे हैं? बताओ मारोगे मणे? कैसी बात कर रहे हैं साहब, आपको कौन मार सकता है? मैं समझ गया, आप सरोजनी के प्लान के बारे में चिंतित। मैं किसी की चिंता नहीं करता, ना ही तो किसी की परवाह करता। अरे मैंने तुम्हें अपने साथ रखा था ताकि तुम मेरा साथ दोगे, ना कि तुम मेरा हाथ काटोगे। अब आप गुस्सा चुकिए, सरोजनी का प्लान बन चुका है। अरे तो कब बताओगे प्लान बन गया, कब बताओगे? आप मुझ पर भरोसा रखिए, सरोजनी का काम हो जाएगा। अरे भरोसा तो विजय भगवान पर भी नहीं करता है, तो फिर तुम क्या चीज हो है? मुझे प्लान बताओ, तुम सरोजनी को कैसे खत्म करोगे? मेरा सरोजनी से बदला पूरा होना चाहिए, उस सरोजनी से जिसने मारे घर में आते ही मारे बड़े भाई को मारा दुश्मन बना दिया। अरे मारे दोस्त जैसे भतीजे को मारे से दूर कर दी, और मारी बेटी। बाबू मौत का बदला मौत होगा, सरोजनी की मौत से कम में कोई समझौता नहीं होगा ना। आप चिंता ना करें, वो दिल्ली गई है, वापस लौट कर नहीं आ पाएगी। आपका परिवार उसकी शक्ल कभी नहीं देख पाएगा। सारी बात सच निकली ना तो सारे गांव में मिठाई बटवाऊंगा। हाँ सारे गांव। बाबू यू काम जल्द से जल्द हो जाना चाहिए। हो जाएगा साहब। सामान हो गया मां, इस तरह अपनी बहू को क्यों देख रही हो? मैं अपनी बहू को ना देख रही, बल्कि एक लड़की को देख रही, उसके महत्व को देख रही, उसके अस्तित्व को देख रही हूं। छोरी जब मायके में रहती है तो वहां महकती रहती है, चहकती रहती है।
पर जब ससुराल आवे है तो वहां की जिम्मेदारी निभावे है। छोरी जब ब्याह करके ससुराल आवे है ना तो पति के जीवन को स्वस्थ रखना, व्यवस्थित गृहस्थी बनाए रखना, ये सब उसी की जिम्मेदारी होवे है। घर जो है घर ना स्वर्ग लगे है। छोरे के जीवन में ब्याह के बाद जिम्मेदारी आवे है, पर छोरिया मायके से जिम्मेदारी सीख के आवे। लेकिन माँ आप आज इस तरह की बातें क्यों कर रही है? अरे ये बात मैं ना कर रही, थारे कमरे की एक एक बेजुबान चीज कर रही है। ध्यान दे बेटा, मारी बहू रानी रहती थी तो सब एक चीज का कितना ध्यान रखती थी, हर एक चीज साफ सफाई से। पर आज उसके ना होने की वजह से देख सब बंजारे की तरह इधर उधर बिखरा पड़ा है। अब बिल्कुल सही कह रही है माँ, जब से सरोजनी गई है इस घर की सारी चीजें एकदम उदास सी हो गई है, जैसे कि सिर्फ उसे ही याद कर रही हो। ऐसे बेटा एक बात है, सरोजनी की तारीफ के साथ साथ अगर मैं थारी तारीफ ना करूं तो यह अन्याय हो जाएगा। माँ लेकिन मैंने तारीफ वाला कोई काम ही ना किया माँ। अरे बेटा तूने जो काम किया है समाज में करने से पहले लोग कई बार सोचते हैं। अब देख तारी नई नई शादी हुई, अब इस उम्र में घूमने फिरने के बजाय तूने क्या किया, अपने अरमानों की कुर्बानी देकर सरोजनी के मकसद में उसको कामयाब करवाया। माँ ये तो सब उसकी मेहनत का नतीजा है। ना ना बेटा, थारे सहयोग के बिना सरोजनी कामयाब ना हो पाती। मैंने घनी छोरियों को देखा है, बड़ी पढ़ी लिखी होवे हैं पर ब्याह करके जब ससुराल आवे हैं ना उन्हें वही गृहस्थी संभालनी पड़ती है, काम काज करना पड़ता है। पर तूने सरोजनी को ससुराल में आने के बाद भी उसे पढ़ने का मौका दिया, अरे ये करके तो तूने एक मिसाल कायम की है। हमारी बहू रानी को तूने कलेक्टर की परीक्षा पास करवाई है। असल में ये थारी कामयाबी से मने केवल सरोजनी पे गर्व ना है बल्कि थारे ऊपर भी गर्व है। धन्यवाद माँ, ये सब जो कुछ भी हुआ है ना वो आपके और बापू की प्रेरणा से ही हुआ है माँ। थारे बापू के पास भी तो गुणों का भंडार से। हाँ माँ ये सब तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन सरोजनी दिल्ली गई है और अब वो कुछ दिन कोमल के साथ रहेगी तो आगे की प्लानिंग क्या है? कोमल को लेके तो मैं बहुत परेशान हूँ। अब ना ऐसी स्थिति आ गई है कि हमें जल्द से जल्द कोई ना कोई फैसला लेना पड़ेगा और इस रहस्यमय कहानी को खत्म करने का टाइम भी आ गया है। अब और ना अरे आज तो सरोजनी का इंटरव्यू है, अब मैं उसे फोन करके विश कर देता हूँ। हेलो। हेलो अम्मा, आप नमस्ते अम्मा। अरे राज बेटा कैसे हो तुम? अम्मा मैं तो ठीक हूँ, आप सब कैसे वहाँ पर? हम सब ठीक है बेटा, सरोजनी भी अच्छी है। तुम सरोजनी से बात करना चाहते हो ना? हाँ माँ, दरअसल मैं सरोजनी से ही बात करना चाहता था, आज वो इंटरव्यू के लिए जाने वाली है ना। अरे बेटा जाने वाली नहीं, वो तो जा चुकी है इंटरव्यू के लिए। लेकिन ऐसे कैसे अम्मा, इंटरव्यू तो 10 बजे का था ना। 10 बजे नहीं बेटा, 8 बजे था और वो 7 बजे अपने पापा के साथ चली गई। ये भगवान, अब वो ऐसे चली गई और मैंने उसे विश भी ना किया, अब सरोजनी मारे बारे में क्या सोचेगी? कोई बात नहीं बेटा, कंफ्यूजन में कभी कभी ऐसे हो जाते हैं। चलो अच्छा हुआ इसी बार ने मेरे से बात तो हुई।
जैसे सरोजनी आएगी तुमसे बात करवा दूंगी। ठीक है अम्मा। घर में सब कैसे हैं राज जी? अब बात करेंगे। हेलो बेटा, कैसा है? बापू आप, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन बापू आप सरोजनी के साथ इंटरव्यू के लिए ना गए? सरोजनी के साथ राघवन जी गए हैं। और तू तू सरोजनी की चिंता मत कर, वो पूरी तैयारी के साथ गई है। ईश्वर ने चाहा तो जरूर सफल होके लौटे। आप बिल्कुल सही कह रहे बापू, भगवान के आशीर्वाद के साथ, आप सबकी दुआएं भी तो है उसके साथ। देख बेटा, दुआएं तो बड़ों की हमेशा रहती हैं छोटों के साथ, पर इसकी सफलता के पीछे तेरा बहुत बड़ा हाथ है। मैंने मैंने गर्व है तेरे पर। तूने सरोजनी को पूरा सपोर्ट दिया। अब बापू, मैं सरोजनी को जो भी सपोर्ट दे पाया हूं ना, वो सब आपके सहयोग के बिना संभव ना था बापू। पिता का सपोर्ट तो रहे ही है, पर छोरी तो तूने ही पसंद की थी ना। अब ये मत कहना इसमें भी मेरा योगदान है। थैंक यू बापू। बापू वैसे कोमल की तबीयत अब कैसी है? उसकी तबीयत में कुछ सुधार हुआ कि ना? कोमल ठीक है बेटा, और उसकी सेहत में काफी सुधार हो रहा है, क्योंकि यहाँ का वातावरण ही ऐसा है। राघवन परिवार का तुझे पता ही है ना, बहुत प्यार देते हैं, और जहाँ प्यार होता है ना बेटा, वहाँ दवाई की जरूरत भी ना पड़े, इंसान वैसे ही ठीक हो जाए। हाँ बापू, सरोजिनी के परिवार ने हमें जो प्यार दिया है, जो अपनापन दिया है, उसके लिए हम सदा ऋणी रहेंगे बापू। सही कह रहे हो बेटा, ये ऋण तो शायद जिंदगी भर नहीं चुका पाऊंगा। बापू कोमल अपने घर कब वापस आएगी? बेटा ये तो नहीं कहा जा सकता, टाइम तो लगता ही है ना। मतलब कोमल अब और कुछ दिन हमसे दूर रहेगी? अब बेटा इसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते ना, अब वो बीमार है, ठीक होने में टाइम तो लगेगा ही ना। तेरी माँ आसपास है क्या? हाँ एक मिनट माँ। माँ हाँ बापू, बापू आपसे बात करना है। हेलो कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ। जब सरोजनी अपने लक्ष्य को पा लेगी ना, तो मुझे ऐसा लगे जैसे कोमल ने हॉकी का कोई फाइनल मैच जीता। आप तो जानते ही हो कि सरोजनी कितनी अच्छी और संस्कारी लड़की है और समझदार भी है। तभी तो शादी के बाद भी उसने इतनी बड़ी परीक्षा को पास किया है।